क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं कि जो मरने के बाद भी अरबों डॉलर कमा रहे हैं। फेमस पॉप स्टार और ब्रेक डांस से शोहरत पाने वाले माइकल जैक्सन के नाम से शायद ही कोई नावाकिफ हो कि जिसने दुनिया को ब्रेक डांस से मुतारफ कराया। माइकल जैक्सन अपनी मौत के बाद भी 11 बरसों से कमाई करने वालों में टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगरचे मरने के बाद इनकी कमाई में नसब फीसद कमी आ चुकी है, इसके बावजूद भी रवान साल माइकल जैक्सन की आमदनी 46 मिलियन पाउंड हो चुकी है और इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 10 अरब 14 करोड़ से ज़ायद बनती है। याद रहे कि माइकल जैक्सन की मौत 2009 में नशा आवर अदवियात की ज़्यादा मकदार से हुई। दूसरे नंबर पर बरतानवी राइटर, शायर और नावल निगार जे आर टोल्किन है। एक अंदाजे के मुताबिक 2019 और 20 में जे आर टोल्किन की होने वाली कमाई 38 मिलियन पाउंड है। जे आर टोल्किन का सबसे मशहूर नावल लॉर्ड ऑफ द रिंग है। मरने के बाद भी इसके ख़ानदान को खूब आमदनी मिल रही है। जे आर टोल्किन की मौत 1973 में 81 बरस की उम्र में हुई। 60 की दहाई में शोहरत पाने वाले अमरीकी पॉप गुलूकार एलविस प्रेस्ले का नाम तीसरे नंबर पर है। 1950 और 60 की दहाई में किंग ऑफ रॉक एंड रोल का खिताब पाने वाले एलविस प्रेस्ले के लिबास समेत उनके म्यूजिक एल्बम बड़े शौक से खरीदे जाते हैं। इनकी सालाना कमाई अंदाजा 30 मिलियन पाउंड लगाया जा चुका है। एलविस प्रेस्ले की मौत 1977 में हुई थी। चौथे नंबर पर जमैका के गुलकार और मुसन्निफ बॉब मार्ले का है। इनके एल्बम्स की फरोख्त अब भी जारी है। बॉब मार्ले के अहले खाना को अब तक 20 मिलियन पाउंड मिल चुके हैं। बॉब मार्ले की मौत 1981 में हुई।